हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की किचन टिप्स लेकर आई हूं, जो ना आपके सिर्फ पैसे बचाएंगी बल्कि आपका सामान सुरक्षित भी रखेंगी और आपके रोजमर्रा के जो परेशानियां होती हैं वो भी दूर करेंगी। ये जो चीजें इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और जानें इन टिप्स को। कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहली टिप, सभी लोगों को पूड़ियाँ बहुत ही क्रिस्पी और बहुत फूली फूली पसंद है। दबी हुई पूड़ियाँ किसी को अच्छी नहीं लगती, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी टिप है, जब भी आप पूड़ियों का आटा गूंथती हैं उस समय पर आप आटे में अगर एक चम्मच चीनी मिला देंगी, एक छोटी चम्मच चीनी मिलाने से हमेशा आपकी पूड़ियाँ बहुत ही फूली फूली बनेंगी, पूड़ियाँ बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही फूली फूली बनेंगी। दूसरी टिप है दाल और राजमा को लेकर। जब भी कभी आप राजमा बनाएं या उड़द दाल बनाएं तो याद रखें, कुकर में जब आप राजमा लेते हैं और पानी डालते हैं उस समय नमक उसमें बिल्कुल ना डालें। उसी तरीके से उड़द दाल के लिए भी जब भी आप कुकर में उसको उबालें तो उस वक्त उस पर नमक बिल्कुल ना डालें, इससे वो जल्दी पके। और दूसरा, जिस वक्त आप कुकर में पानी डालती हैं, एक तो नमक ना डालें, दूसरा उसमें एक चम्मच आप इस तरीके से घी डाल दें, तो उससे क्या होगा कि राजमे का पानी या दाल का पानी कुकर में से बाहर नहीं निकलेगा, सारा पानी कुकर से निकल के बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से गैस भी गंदी हो जाती है सारी और पूरा कुकर भी उससे सन जाता है। तो उससे बचने के लिए आप ये टिप जरूर अपनाएं। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो मिर्च से लेकर के है। अक्सर क्या होता है कि हम जब सब्जियां बनाते हैं, रसेदार सब्जी हो या सूखी सब्जी हो, कभी कभी मिर्च ज्यादा हो जाती है या उसमें तीखापन ज्यादा हो जाता है और फिर वो सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो उस तीखेपन को और मिर्च को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर आपकी ग्रेवी वाली सब्जी है तो आप उसमें यूज कर सकती हैं थोड़ा सा बटर या फिर देशी घी, या फिर आप यूज कर सकती हैं दही या मलाई, दूध और या फिर फ्रेश क्रीम। आप इनमें से कोई भी एक चीज आप यूज करें उसमें, तो उससे भी आप उस सब्जी की मिर्च और तीखापन काफी हद तक दूर कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि जो भी सब्जी में आपकी मिर्च ज्यादा हो गई है उसमें आप मिक्स कर दें दही थोड़ा सा और उसको थोड़ा बॉईल कर लें, तो उससे क्या होगा कि मिर्च कम हो जाएगी। दही की जगह पर जैसे मैंने बताया कि आप फ्रेश क्रीम को या फिर आप मलाई को, घी को या बटर को भी यूज कर सकते हैं। अब आती है बात सूखी सब्जी की, कि अगर सूखी सब्जी में मिर्च ज्यादा हो जाए तो उसको कैसे दूर करें। सूखी सब्जी में अगर स्पाइसी हो जाती है तो अब उसके लिए अच्छा तरीका ये है कि आप लें लगभग 2 टेबल स्पून बेसन, सब्जी के अनुसार लें 2 टेबल स्पून बेसन और इसको हल्का हम भून लेंगे, हल्का सेक लेंगे तवे पर। तो एक पैन में आप बेसन डालिए और इसको हल्का सा सेक लीजिए, तो इससे क्या होगा, इस सेके हुए बेसन को आप सूखी सब्जी में मिक्स कर दीजिए तो सूखी सब्जी का स्वाद तो बढ़िया हो ही जाएगा, साथ के साथ जो उसमें तीखापन या मिर्च थी वो भी बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मिर्च ग्रेवी वाली सब्जी में और सूखी सब्जी में दूर कर सकते हैं। ग्रेवी वाली सब्जी में मिर्च या तीखापन दूर करने के लिए एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप एक उबला आलू लें और इस तरीके से हाथ से उसको मसल लें और इस उबले आलू को आप सब्जी में मिला दें तो उससे भी तीखापन और मिर्च बैलेंस हो जाती है और उस सब्जी को एक बारी और बॉईल कर लें। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो कटहल काटने को लेकर के है। कटहल सभी लोगों को बहुत पसंद होता है क्योंकि सीजनल होता है तो कभी कभी आता है तो सब चाहते हैं कि हम उसकी सब्जी खाएं, लेकिन उसको काटना सबसे बड़ा परेशानी का काम है क्योंकि उससे सारे हाथ उसके रस से चिपक जाते हैं, चाकू भी चिपक जाता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है, आप लें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, ये सरसों का तेल है, सरसों का तेल आप चाकू पर लगाएं और सरसों का ये तेल आप अपने हाथ पर ग्रीस कर लें इस तरीके से। अब आप कटहल को काटें तो इससे क्या होगा, जो कटहल का रस है वो ना तो चाकू पे चिपकेगा ना हाथ पर चिपकेगा और कटहल बहुत आसानी से कट जाएगा। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है टमाटर से रिलेटेड। हम मार्केट से जब भी टमाटर खरीद के लाते हैं वो काफी फ्रेश होते हैं और लेकिन वो बहुत दिनों तक चल नहीं पाते, कुछ ही दिन में वो बिल्कुल मुलायम पड़ जाते हैं और पिलपिले से हो जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें कि वो टमाटर वापस से सख्त और फ्रेश हो जाए, तो इसके लिए सबसे अच्छी टिप ये है, आप यहाँ देख रहे हैं कि टमाटर बिल्कुल सुखड़ा हुआ सा है, तो इस टाइप के टमाटर को आप सबसे पहले एक बोल में चिल्ड पानी लें, बिल्कुल फ्रिज का चिल्ड पानी, और उसमें आप डालें नमक एक चम्मच इस तरीके से। अब इसमें टमाटर डाल दें और लगभग कुछ देर के लिए इसी में पड़ा रहने दें, आप कुछ देर बाद देखेंगे कि टमाटर वापस से सख्त हो गए हैं और वापस फ्रेशनेस उनमें आ गई है, तो ये भी एक बहुत अच्छी टिप है। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो बादाम से रिलेटेड है। बादाम कुछ दिन रह जाते हैं तो थोड़े दिनों के बाद ही वो खराब हो जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए कि वो लंबे समय तक जैसे आपने भरे हैं बिल्कुल वैसे ही रहें, क्योंकि जनरली फ्रिज में बादाम को सुरक्षित रखा जा सकता है लेकिन फ्रिज में इतनी स्पेस नहीं होती है कि हम सभी चीजों को फ्रिज में रखें, तो उसके लिए बहुत अच्छी टिप ये है, ये है बादाम का कंटेनर, इसमें मैं डालूंगी 4 चम्मच चीनी,
इस तरीके से आप बादाम के कंटेनर में 4 चम्मच चीनी डालकर रख देंगे, जिस तरीके का ये कंटेनर है, तो आप देखेंगे कि बादाम काफी लंबे समय तक बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने बॉक्स में भरे थे। तो इससे बादाम की लाइफ बढ़ जाती है, उसमें कीड़ा भी नहीं लगता और वो बिल्कुल फ्रेश बने रहते हैं। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो बिस्किट को लेकर के है। अक्सर क्या होता है कि हम बिस्किट का पैकेट खोलते हैं तो सारी बिस्किट एक साथ कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो बिस्किट खुलने के बाद बिल्कुल सील जाती हैं, नरम पड़ जाती हैं। तो बिस्किट को किस तरीके से हम रखेंगे वो क्रिस्पी वैसे ही फ्रेश बनी रहे, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, आप लें एक एयर टाइट कंटेनर जैसे मैंने किया हुआ है और इसमें बिस्किट को भरें। अब आप बिस्किट में लगभग 2 चम्मच चीनी मिक्स कर दें इस तरीके से, और कंटेनर को बंद करके रख दें। इससे क्या होगा, बिस्किट काफी समय तक क्रिस्पी बनी रहेंगी और वो बिल्कुल नरम नहीं पड़ेंगी। अगर आपकी बिस्किट नमकीन है तो आप उसमें, जैसे मैंने यहाँ 2 चम्मच चीनी ली है मीठी बिस्किट के लिए, आप उसमें 2 चम्मच नमक डालकर रख दें कंटेनर में, तो वो नमकीन बिस्किट भी सीलेंगी नहीं और काफी दिनों तक क्रिस्पी बनी रहेंगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी टिप है। अब जो नेक्स्ट टिप है वो स्मेल को लेकर के है। अक्सर हम जब प्याज रखते हैं किसी कंटेनर में रखते हैं, या लहसुन रखते हैं किसी कंटेनर में या किसी बर्तन में, जैसे मैंने यहाँ पर रखी हुई है प्याज, तो इनमें प्याज की स्मेल आ जाती है। तो उस स्मेल को अगर हम जनरल तरीके से धोते हैं, जिस तरीके से बर्तन धुले जाते हैं, तब वो रिमूव नहीं होती, तब भी बर्तन में प्याज की स्मेल आती रहती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पानी लें, पानी में नमक डालें जैसे मैंने किया हुआ है। अब नमक वाले पानी से आप बर्तन को जब साफ करेंगे तो बर्तन में से बिल्कुल प्याज की स्मेल खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी टिप है प्याज की स्मेल दूर करने के लिए। अब जो मैं नेक्स्ट टिप बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये परेशानी सबको फेस करनी पड़ती है, वो है कॉकरोच की प्रॉब्लम। कॉकरोच हम कितनी भी सफाई कर लें किचन की, घर की, लेकिन वो वापस से आ जाते हैं और उसके लिए हम सोचते रहते हैं कि हम क्या करें कि जिससे ये कॉकरोच चले जाएं। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, वो ये, एक बोल लीजिए और बोल में लीजिए 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच आटा, गेहूं का आटा इस तरीके से, और ये मैंने लिया है बोरिक पाउडर। बोरिक पाउडर बहुत ही आसानी से किसी भी मेडिकल शॉप पे या केमिस्ट शॉप पे मिल जाता है। तो 1 चम्मच ही आपको बोरिक पाउडर लेना है, और यहाँ मैंने लिया है ये 1 चम्मच दही। इस सबको मिक्स करके इसकी हम छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे, और आपको क्या करना है, अब छोटी छोटी गोलियाँ बना लीजिए बॉल जैसी, और जहाँ भी कॉकरोच बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर अलमीरा में, फ्रिज में या किचन की कबर्ड्स में, कहीं भी आप उन गोलियों को रख दें। जहाँ जहाँ गोली आप ये रखेंगे वहाँ वहाँ कॉकरोच बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप गोलियाँ बनाएं छोटी छोटी इस तरीके से, और इन गोलियों को आप जगह जगह रख दें जहाँ जहाँ कॉकरोचेज हैं। तो इस तरीके से ये गोलियाँ रखने से वहाँ जहाँ जहाँ आप ये गोलियाँ रखेंगे वहाँ कॉकरोच बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कॉकरोच की प्रॉब्लम को दूर करने का। अब जो मैं नेक्स्ट स्टेप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डे टू डे लाइफ में हम इन्हें फेस करते रहते हैं। किचन की जो सिंक होते हैं और उनके पाइप में से एक स्मेल बन जाती है और वो आने लगती है पूरे किचन में, एक गंदी सी स्मेल फैल जाती है, या फिर जो घर के नाली या सीवर होते हैं उनमें से कभी कभी बहुत स्मेल आती है और उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम लेंगे ये 1 लीटर पानी, और उस 1 लीटर पानी में 250 ग्राम ये मैंने लिया है नमक, सिंपल नमक टेबल सॉल्ट, इसको आप नमक को आप पानी में मिक्स कर दीजिए और इस पानी को आप उन नाली में, उस पाइप में जो सिंक में से स्मेल आ रही है उसमें डाल दीजिए, तो आप कुछ ही देर में देखेंगे कि स्मेल काफी हद तक बिल्कुल कम हो चुकी है। तो इस नमक वाले पानी को हर 1 वीक में एक बार आप जरूर डाल दें, इससे एक तो बदबू तो जाएगी, साथ ही साथ मच्छर, कॉकरोच या जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो पाइप के थ्रू आ जाते हैं वो सबकी समस्या भी दूर हो जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छी टिप है। अब जो मैं नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सबके बहुत काम आने वाली है, वो है इडली डोसा बैटर से रिलेटेड। इडली डोसा बैटर जब भी हम बनाते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं क्योंकि सभी को इडली डोसे बहुत पसंद होते हैं। तो अक्सर क्या होता है, ये सब बोलते हैं, ये शिकायत होती है सभी की कि बैटर खट्टा हो गया, उसका खट्टापन कैसे कम किया जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छी टिप ये है, जब भी आप इडली डोसा का बैटर आप बनाएं तो एक तो आप उसको तुरंत फ्रिज में रखें, जितना यूज करना है उतना ही बाहर निकालें और रिमेनिंग में नमक बिल्कुल ना मिलाएं, यानी जितना आपको यूज नहीं करना है उसको फ्रिज में एक कंटेनर में बंद करके रख दें और नमक बिल्कुल ना मिलाएं। दूसरी बात ये, फिर भी अगर वो खट्टा हो जाता है तो आप कोकोनट मिल्क लें, कोकोनट मिल्क बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और इसको घर में बनाना भी बहुत आसान है। नारियल का दूध आप
बैटर में मिला दें, उससे खट्टापन काफी हद तक बैलेंस हो जाता है और आपको इडली और डोसा बिल्कुल खट्टे भी नहीं लगेंगे और वो काफी क्रिस्पी और बढ़िया बनेंगे और खट्टापन बिल्कुल निकल जाएगा। तो आप एक बार इसको जरूर ट्राई करें। तो मेरी नेक्स्ट टिप है वो बरसात के मौसम से रिलेटेड है। बारिश के दिनों में अक्सर सब्जियों में कीड़े हो जाते हैं और अगर हम काट कर उनको देखते भी हैं तो कई बार वो कीड़े हमें नजर नहीं आते, तो उसके लिए सबसे अच्छी टिप ये है, अगर आप बैगन या कोई भी कोई सब्जी आप बनाने जा रही हैं, आप सबसे पहले लें गुनगुना पानी। मैंने यहाँ लिया है ये गुनगुना पानी है, इसमें हम डालेंगे फुल एक चम्मच नमक और इसमें हम सब्जियों को भिगो देंगे थोड़ी देर के लिए। सब्जियों को थोड़ी देर इसमें सोख होने दें, लगभग 10 से 15 मिनट, और उसके बाद आप सब्जी काट लें तो उससे हम कीड़ों से बच सकते हैं। तो बारिश के दिनों में कुछ देर नमक के पानी में रहने दें सब्जियों को, उसके बाद आप यूज करें। ये भी बहुत एक यूजफुल टिप है। अब जो नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो भी आपके बहुत काम आने वाली है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ टी बैग्स, ये ड्राई टी बैग्स है। इसका चाय तो अच्छी बनती ही है और काफी सारी ब्यूटी टिप्स में भी काम आता है। टी बैग से आप एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जूतों में अक्सर स्मेल आ जाती है, खासतौर से बारिश के दिनों में, तो वो स्मेल जूतों की हम कैसे दूर करें, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है आप ड्राई टी बैग लें और जूते में उसको डाल दें, तो उस कुछ देर रहने दें टी बैग्स को, तो उससे जूते में से स्मेल चली जाती है और जिस वक्त आप टी बैग जूते में से निकालें हल्का सा टी बैग उसके अंदर रगड़ दें तो जूतों में से बिल्कुल स्मेल खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप टी बैग्स को जूते में डाल दें और कुछ समय के लिए इसे पड़ा रहने दें एक दो घंटे, तो कुछ समय के बाद इसमें से पूरी स्मेल खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत काम की टिप है। इस टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, शायद वो भी आपको बहुत काम आएगी। अक्सर देखा है हमने कि ज्यादा दिन इस्तेमाल के बाद नल बाथरूम के हों या किचन के हों उनके ऊपर थोड़ी सफेदी सी आ जाती है, वो भद्दे हो जाते हैं और अपनी चमक छोड़ देते हैं, तो उनको वापस हम कैसे साफ करें कि वो उनके ऊपर से वो जो सफेदी है वो क्लीन हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करें, एक चम्मच लें नमक एक बोल में डालें और ये है सफेद सिरका, चार चम्मच सफेद सिरका हमें इसमें मिक्स करना होगा। तो चार चम्मच हम इसमें मिलाएंगे सिरका, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें और एक कपड़ा डिप करके सभी नल और स्टील के सिंक इन चीजों को आप इससे बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं, तो वो वापस उनमें नई जैसी जान आ जाएगी, बिल्कुल चमक उठेंगे। तो विनेगर नमक के घोल में इस तरीके से डिप करके हम एक स्कॉच ब्राइट या आप किसी भी कपड़े से इसको अच्छी तरीके से रब करें थोड़ी देर तक, आप थोड़ी देर में ही देखेंगे कि ये एकदम चमक उठाए। अब देख सकते हैं कि नल वापस से बिल्कुल चमक गया है। अब एक टॉवल से हम इसको अच्छी तरीके से पोंछ देंगे। अब जो नेक्स्ट टिप है वो इमली से रिलेटेड है। इमली सभी के घर में यूज होती है और अक्सर बहुत सारी सब्जियों में हम इसका यूज करते हैं, तो इमली को किस तरीके से हम बहुत दिनों तक चला सकते हैं, बहुत दिनों तक इमली किस तरीके से ठीक रहे, उसके लिए हमें क्या करना है, ये इमली का कंटेनर है, इसमें मैं एक चम्मच नमक मिला दूंगी। इस तरीके से आप इमली में एक चम्मच नमक मिला करके रख दीजिए तो इससे इमली काफी दिनों तक सही रहती है, वो जल्दी खराब नहीं पड़ती है। अब जो मैं नेक्स्ट टिप बता रही हूँ वो भी आपको बहुत काम आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फ्रिज में हम हर तरीके की चीजें रखते हैं, सब्जियां, फल, बची हुई सब्जियां, बहुत चीजें फ्रिज के अंदर होती हैं और फ्रिज में बहुत स्मेल बन जाती है और हमारी समझ में नहीं आता हम उस स्मेल को किस तरीके से दूर करें, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक बोल में खाना सोडा लें। ये खाना सोडा मैंने लिया है, खाना सोडा ले लें और एक बोल में भर के खाना सोडा आप फ्रिज में रख दें, इस बोल को आप फ्रिज में रख दें और कुछ दिनों तक उसी में रहने दें, आप देखेंगे कि फ्रिज की स्मेल अपने आप पूरी खत्म हो गई है और फ्रिज बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। तो इस तरीके से खाना सोडा एक बाउल में भर के आप फ्रिज में रख दें और इसे रहने दें फ्रिज में, तो कुछ ही दिनों में फ्रिज की स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है मेरे ये किचन टिप्स एंड ट्रिक्स आज आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। हमेशा मैं अपने किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में कोशिश करती हूँ कि आपकी जो रोजमर्रा की किचन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस आपको बता पाऊँ और वो आपके काम आए, और ज्यादातर किचन टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको देती हूँ वो मेरे टेस्टेड होते हैं तो आप उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप इन किचन टिप्स और ट्रिक्स को शेयर कीजिए जिससे ये सभी के काम आए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। Thank you for watching Cook with Paru.